ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसे हैं? थोड़ी वैसे अमूमन मैं लेट होता ही हूँ कोर्सेज में, लेकिन वो एमरजेंसी का कुछ नहीं कर सकते। एमरजेंसी का नाम ही एमरजेंसी है, ठीक है ना? इसीलिए कुछ तो एमरजेंसी का जल्दी जल्दी चेक करा रहे। आप भी जरा ऑनलाइन स्क्रीनशॉट भेज दें चैट में, जल्दी करें ताकि मैं आगे कर डेटा बेस देखे। हाँ जी, सर्वर तो हाँ जी, और के बाद
वेरिएबल किसी भी करना हो ऊपर रेंज का तो ऊपर टॉप होता ये फोर्ट हो सकती है यहाँ पर आप देखिए ना इसको ये फोर्ट है ये फोर्ट हो इधर आ गई चलें जी। अच्छा जी, आप वो छोटी छोटी गलतियाँ हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप कह रहे हैं कि ये आसान सा काम है। इस तरह के मसले मिसाइल आते हैं स्टार्ट में, नहीं जी कल से आगे चलते हैं एक स्टेप। अब कल आ जाओ, सर्वर दोबारा बन जाएगा, कोई बात नहीं। जब हम कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट और रिक्वायर को एक ही दफा यूज कर सकते हैं? मतलब क्या मतलब कि जैसे रिक्वायर का एक मेथड आप नहीं
एक वो ES5 है, वो ES6। यानी कि दोनों को एक में नहीं यूज कर सकते क्या, वो करेंगे या वो करेंगे? हाँ देखें, एक वक्त में एक ही टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ना तो कंप्यूटर ही कंफ्यूज हो जाएगा जरा। या आप देखें, या पूरा ही आप सारा सेटअप ES5 पे लेके चलें, या सारा सेटअप ES6 पे लेके चलें। ऐसा वैसे सिनेरियो होता भी नहीं कि आप कहें कि मुझे दोनों यूज करने पड़ेंगे, लेकिन एक एक ही चलती है, चाहे आप लेटेस्ट कर लें चाहे या ओल्ड कर लें। कल कितने नंबर क्लास थी? 8-9 होगी कल, क्या 8 थी? 8। अच्छा चलें जी, आपका आज रूम बदल गया तो कोई बात नहीं, सर्वर भी दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे उसका नाम दे दें। जरा ध्यान से सुने, कल जो आप छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं ना, वो कौन सी मिस्टेक है वो आज जरा चेक कर लें। एक तो आपकी रीजन भी हो जाएगी। सबसे पहले npm init -y, चलें ये मतलब हुआ था। और cls ये देखें, इधर इसकी लाइब्रेरी आ गई, और इसके अलावा npm i express साथ नोड मोन किया हमने। इकट्ठी एक ही लाइन में भी जितनी मर्जी कर लें आप। और एक आज और करेंगे mongoose, या इसको चलो मैं रन टाइम पे करवा दूंगा। ये चलें इसको कोड स्पेस डॉट, इधर VS कोड में आ जाएं। बेसिक आपका जो है बॉयलर प्लेट वो बन चुकी है। यहाँ पे आके आप इंडेक्स या सर्वर रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वर रख लें, बस इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो फिर इस फाइल का नाम भी इधर सेम ही रखना है। यहाँ पे आपने, ये कुछ स्टूडेंट ने मिस्टेक की हुई है, स्क्रिप्ट में जाके इसको सर्वर नहीं कर रहे, ये वाला यहाँ पे लिखना है नोड मोन सर्वर डॉट js, ये ऑटोमेटिक रिस्टार्टिंग के लिए। और अगर 6 में करना है मेथड तो इसको टाइप करके यहाँ पे आ जाए, मडूज कर दें। नोड मोन के स्पेलिंग इधर आ जाए, टाइप मडूज। बेसिक सेटअप हो गए, इसको इधर ही बेशक स्टार्ट कर दें, cls npm स्टार्ट। कुछ बना ही नहीं है तो अभी सर्वर बिल्कुल ही फाइल फ्री है, अभी खाली है। देखें इसको फिल करते हैं। इस चीज़ में छोटी छोटी स्टूडेंट की आपकी मिस्टेक है वो देख लें। सबसे पहले आपने इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस करना है सर्वर बनाने के लिए, और इसको किसी वेरिएबल में अनपैक करना है ताकि आपको पूरा सर्वर मिल जाए। ऐप इसलिए लिखा है क्योंकि ये कन्वेंशन है, अदरवाइज यहाँ ABC भी लिखेंगे कोई मसला नहीं। ये पूरे का पूरा एक्सप्रेस इसके अंदर आ गया, आपका पूरे का पूरा फ्रेमवर्क इस वेरिएबल में। फौरन ही आपने जाके इसको लिसन कर लेना है किसी ना किसी एक पोर्ट पे। अभी मैं फिलहाल हार्ड कोडेड ही रखता हूँ 5000। और यहाँ पे भी एक स्टूडेंट ने गलती की थी, वो रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे आपने कंसोल पे प्रिंट करवाना है इस मैसेज को, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, फिलहाल हार्ड कोडेड देना जी 5000। कंट्रोल एस करें, ये देखें आ गया। साथ इधर हमें कलर्स की भी कल लाइब्रेरी एकदम ने की थी, तो इसके अंदर जाके npm i, बल्कि इधर ही कर लें, इसको बंद कर दें, npm i color। ये कल भी एक स्टूडेंट का लर लिख रहा था, कलर नहीं है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। यहाँ पे import color from color, ये बेशक जो मर्जी वेरिएबल रख लें लेकिन ये है कलर्स, प्लूरल की लाइब्रेरी है। तो इसको मैं अगर कलर करना चाहता हूँ तो इसको मुझे बैटिक्स में लेके जाना पड़ेगा। यहाँ भी देख ले कि स्टूडेंट गलती करते हैं, वो सिंगल कॉमा लिखते हैं, ये बैटिक्स लिखनी है आपने डॉट bg मजेंटा। अब जाके अगर इसको आप स्टार्ट करेंगे तो आपका वो कलर उसका बदल जाएगा, नजर ही नहीं आ रहा भाई। डॉट वाइट कर दें, चलो आप ठीक है, उसके फॉन्ट का कलर भी वाइट कर दिया, bg मजेंटा डॉट वाइट। यहाँ पे अब आपका सारा काम होना है, इसको आप नाम दे दें रेस्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आप सारे राउट्स बना सकते हैं, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट फ्लां, ऐप डॉट जो भी है। अगर मेरा पाथ होम हो
तो इसके अंदर मैं एक कंट्रोलर बनाता हूँ जिसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, और यहाँ पे कंसोल में भी प्रिंट कर लेते हैं हेलो, और रिस्पॉन्स में भी सेंड कर देते हैं ताकि चेक करें हेलो ट्रू। यो एक तो ये राउट बन गया है, इसके अलावा जितने मर्जी आप राउट बनाएं। यहाँ पे जाके मैं अगर प्रोडक्ट बनाता हूँ और कंसोल पे लिख लें प्रोडक्ट्स लिस्ट, और यहाँ पे लिख दें प्रोडक्ट लिस्ट, ये सर्वर बन गया। इसको इधर आके आप चेक करें तो अभी तक आपका सर्वर चलेगा। फिर दूसरा काम हमने ये किया था कि ये चूंकि आपका यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस जो आ रहा है इसको आपने सिक्योर करना है, तो सिक्योर यहाँ पे तो आप लिख नहीं सकते, उसका मेथड होता है कि आप इसे किसी अलग फाइल में ले जाएं ताकि इसको एक्सपोज ना किया जाए। जब आप कोड शेयर करें तो ये आपकी पोर्ट हाइड हो, npmi.env। ये भी कल आपने कर लिया था, तो उसके लिए पहले तो .env की फाइल बनाएं। यहाँ पे .env, इसमें जो जो सेटिंग रखेंगे वो एज इट इज आएगी। मैं कह देता हूँ जी सर्वर पोर्ट, जो भी नाम यहाँ पे रखेंगे यही नाम आप उधर कॉल कर लेंगे 5000। ये अब इसका पूरा नाम देखें सर्वर पोर्ट रखा हुआ है। इधर जाके अगर इसको गेट करना है ना तो उसका मेथड होता है process.env. जो आपने यहाँ पे नाम रखा है पूरा कॉपी, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें पोर्ट में, और यही वाला वेरिएबल आप यहाँ पे पास कर दें और इसको भी डायनेमिक कर दें डॉलर साइन लगा के पोर्ट। अगर तो ये पोर्ट मिल जाती है ठीक है, नहीं तो मैं उसको हार्ड कोडेड 5000 भेजता, क्योंकि जब आपका कोड जाएगा ना होस्टिंग पे तो आपको .env की फाइल पहले से एक कंपनी देती है, उसके अंदर जाके आपने सिंपल यही करना होता है process.env. उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन का वेरिएबल होगा, हो सकता है उन्होंने यही पोर्ट ही रखा हो, तो ये वेरिएबल आपने उठा लेना, वो खुद बखुद ही आपकी होस्टिंग से इसको इंटरलिंक कर देता है। बाय चांस ये इसलिए हार्ड कोडेड साथ दी जाती है, हो सकता है जहाँ से आपने होस्टिंग ली हो या डोमेन आपकी DNS में कोई इशू आ रहा हो, पोर्ट ही ना मिल रही हो, तो UI फौरन क्रैश करती, रन टाइम पे फिर आप उसको कहते हैं हार्ड कोडेड पे 5000 पे चला, अगर उसको पोर्ट ना मिले ये रन टाइम पे नई पोर्ट जनरेट कर देगा। ले जी इधर आए, इसको CLS करके NPM स्टार्ट करें। ओके, ये आपका बेसिक सेटअप है, कल तक आपने इतना कर लिया था। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट्स और एक मैं बना लेता हूँ अरे बना लेता हूँ, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ID नेम प्रोडक्ट 1 और प्राइस रख लें जी 3000। चलो इन्हीं की कॉपीज बना लें, ये 2 3 2 3, इसको 2 कर दें, इसको 5 कर दें 3, और इसको कर दें 45। चलें इसको ज़रा कोलैप्स कर दें ताकि जगह हमें मिल जाए। ठीक है, अब देखिए मैं चाहता हूँ यही रिस्पांस में सेंड कर दो जब ये वाला पास हो, इन दोनों को कंसोल पे कमेंट कर दो और यहाँ पे आप करो response.send, क्या भेजना है प्रोडक्ट रिस्पांस भेज रहा हूँ। इधर आप UI पे आए और यहाँ पे हिट करें लोकल होस्ट 5000/product, गेट क्यों नहीं कर रहा है जी, प्रोडक्ट्स response.send.json में भेज दो ना, अब चेक करते हैं। अच्छा प्रोडक्ट है सिंगल, सर्वर तो नहीं क्रैश हुई, सर्वर ही क्रैश हुआ हुआ है। अच्छा product.json कहता है वो एक ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ओके, इसको हम सिंगल वैसे प्रोडक्ट्स भेज देते हैं ये, और प्रोडक्ट है इसका नाम ही कोई और रख दें ताकि वो कंफ्यूज कर रहा है, लिस्ट ये उड़ा फिलहाल।
अगर तो पाथ हो गेट और ये वाला पाथ हो 5000 हो तो ये चीज भेज दो इसको, करो npm start इधर आ जाए लोकल होस्ट 5000 स्लैश प्रोडक्ट। तो ब्राउजर में भी कोई मसला है, देखें सेम आ गया डाटा आपका। अब ये वाला तो अभी मैं भेज रहा हूँ हार्ड कोडेड, ये वाला डाटा आपने ऐसे थोड़ी भेजना है कि इधर ही सारा कुछ लिखे ना, फिर हमें ब्रैकेट बनाने का क्या फायदा है, इधर नहीं लिखना। इसके लिए हम पूरी डेटाबेस बनाएंगे, ये डेटाबेस से डेटा आएगा और उसे कल को हम इस पाथ के जरिए गेट कर लेंगे। अगर ये वाला पाथ आपको मिल जाए तो अब इस पे आपने वही लगाना है, एक्सिस लगा लें, फेच डॉट गन लगा लें और उसको कन्वर्ट करके जेसन में और नीचे कार्ड्स में मैप कर दें। चाहिए तो यही वाला पाथ चाहिए ना बेसिकली, तो ये वाला मैंने बना दिया। लेकिन ये भी है आपका हार्ड कोडेड डाटा, ये मैं बना ऐसे क्यों रहा हूँ जेसन में, क्योंकि जो आपकी मोंगो डीबी है वो जेसन ऑब्जेक्ट में ही डाटा स्टोर करती है। बाकी अगर आपने यूनिवर्सिटी में एसक्यूलाइट या माई एसक्यूएल पढ़ा है तो वहाँ पे टेबल और रो का कंसेप्ट होता है, ठीक है, रिलेशनशिप वगैरह का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। इधर आपको जेसन ऑब्जेक्ट में ही डाटा स्टोर करना पड़ेगा, समझ लें। जिस मैं आप प्रैक्टिस करते रहे आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान, क्योंकि जेसन के साथ आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको ये नई चीज़ नहीं लगेगी। हाँ स्टोर करने के उसके जेसन पर आपने कन्वर्ट खुद किया है या वो ऑटोमेटिक हो? ये फिलहाल उसने खुद कर दिया, अभी जेसन बना नहीं, अदरवाइज इसका मेथड होता बिल्ट इन ऐप डॉट, इन्होंने कोई एक्सटेंशन की हुई है इधर, किसी ने ना कोई एक्सटेंशन की हुई है, आपको हो सकता है ऐसे नजर आए, जब आप ब्राउजर पे खोलेंगे आपको ऐसे नजर आएगा, इन्होंने एक्सटेंशन की हुई है जेसन में कन्वर्ट करने के लिए, आपको इसलिए ऐसा नजर आ रहा है। हाँ जब आपने डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है तो उसे उर्दू क्यों लिख रहा है भाई, ऐप डॉट यूज ऑफ एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब जब आप डाटा स्टोर करेंगे ना तो आपको रन टाइम पे उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट एंड से भी जो आप डाटा भेजते हैं आपको याद होगा फैच एपीआई में हमें उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जो रिस्पॉन्स आता है उसको प्लेन टेक्स्ट होता है, मोंगो डीबी की नज़र में भी वो प्लेन टेक्स्ट ही होता है, जबकि मोंगो डीबी ने एक्सेप्ट ही जेसन करना है। सो उसको जब आप डेटाबेस में डेटा स्टोर करेंगे तो आपको उसको एक्सप्रेस डॉट जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मैं नीचे कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको मेरा कोड नीचे विजिबल, और इधर हम कुछ ना कुछ और मैसेज लिख देते हैं, लिस्ट कंट्रोल एस इधर आ जाए, ये लिस्ट आ रहा है, चले। अच्छा जी ये काम था आपका कल का, फिलहाल अभी उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि कहीं सर ये आपने आज बढ़ा दिया और हमें समझ नहीं आई, ये कल वाला ही, अभी तक इसमें फिलहाल कोई नई चीज़ नहीं आई, नई चीज़ अब स्टार्ट होगी। देखें डेटाबेस में जब आपने डेटा स्टोर करना है तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना और दूसरा आपने डेटाबेस में भेजना क्या क्या। आप अज्यूम कर लें यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह आपका डेटा, आपने डेटा स्टोर करना है, ये आपका डेटा है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे ईमेल है, यहाँ पे पासवर्ड है, चलें यही कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सीरियल नंबर आप नहीं लगाएंगे, ये डेटाबेस में आपको फैसिलिटी मिलती है अंडर स्कोर आईडी, ये खुद ब खुद ही कोई अजीबो गरीब सी ना इस तरह की आईडी बना देगा, आपने नहीं बनाना। मोंगो डीबी में ये आपको सहूलत है, वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई रन टाइम पे कोई नई आईडी जनरेट कर देगा, और यहाँ पे आप जो भी नाम देंगे ये डेटा आपने स्टोर करना है, पासवर्ड वांट एडमिन कर लें। अब जरा केयरफुली इस चीज को समझें जो मैं समझाने की कोशिश करने लगा हूँ आपको, इसको डिलीट कर दें। ये डेटा है जो आप चाहते हैं कि ये चार प्रॉपर्टी हैं जो डेटाबेस में स्टोर करनी है, भाई मोंगो डीबी को कैसे पता चलेगा कि आपने भेजना क्या क्या। देखिए मोंगो डीबी को इतनी समझदार तो है नहीं कि आप डेटा भेजेंगे वो खुद ही पढ़ लेगी यूजर ये भेज रहा है, इसके लिए आपको ये कम से कम इसको ये समझे ये कॉलम के नाम ही समझे अभी के लिए, ये कॉलम के नाम जो है इसमें आपने कौन सा डाटा भेजना हो सकता है, आपको यहाँ पे एज का भी चाहिए हो, एक यूजर है जिसको एज का भी वेरिएबल यहाँ पे चाहिए, एक यूजर है जिसको यहाँ पे उसने एड्रेस का डाटा भी स्टोर करना है,
एक लीवरा को कहता है यार इसका टेलीफोन नंबर भी मैंने स्टोर कर लेता हूँ, मोबाइल। देखें हर बंदे ने या हर यूजर ने, हर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डाटा स्टोर कर, तो मोंगो डीबी तो नहीं ना इतना समझदार के वो खुद ब खुद ही जो जो डाटा देंगे वो उसको ऐड करता जाएगा। इनके कोई ना कोई आपको नाम डेटाबेस को बताने पड़ेंगे कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप अपने पास आईडी स्टोर करो, नाम करो, ईमेल करो, पासवर्ड करो, ये चार चीज़ें मैं चाहता हूँ आप अपनी डेटाबेस में स्टोर कर। ओके, ये हमने उसको डिफाइन कर दिया कि ये चार चीज़ें, ये फिलहाल अभी मैं तीन चीज़ें नहीं ले रहा तो मैं चार चीज़ें भेज रहा हूँ। ये कंप्यूटर को पता ही नहीं चलना क्या भेज क्या रहा है। इसके लिए आपको स्कीमा बनाना पड़ता है, ये समझ लें आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पे अगर आप इसको नाम दे दें कोई भी, यहाँ पे नाम दे दें यूजर्स, इसका नाम भी आपने अरे ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया यूजर्स, तो डाटा कैसे जाएगा कंप्यूटर में किस तरह? आईडी वो खुद ले लेगा, आईडी वो ऑटोमेटिक लेगा, ये आपने नहीं देनी, ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेटेड मंगोडीबी आईडी खुद ले लेगा। अब देखें ये है असल प्रेपोजिशन, नेम के अंदर क्या स्टोर करना है अभी कुछ भी नहीं है, ये हमने भेजना है। इसी तरह ईमेल है, पासवर्ड है, पहले उसको बताना है कि ये, हाँ पहले उसको बताएंगे तो, क्योंकि आपने जो फ्रंट एंड पे फॉर्म बनाना है ना वो भी इन प्रॉपर्टी के मुताबिक बनाना है। आप देखें फ्रंट एंड पे आपने फॉर्म बना दिया 25 प्रॉपर्टी का और इधर मोंगोडीबी में स्टोर ही दो कर रहे हैं तो बाकी प्रॉपर्टी किधर जाएंगी? या आपने वहां पे 25 बनाया तो इधर 25 के मुताबिक डेटाबेस में जगह भी तो बनाए ना, शनाख्त की किस बॉक्स में रखना क्या है, ये ऑब्जेक्ट आपने पहले यहाँ पे उसका स्कीमा डिजाइन करना है। यहाँ पे नेम ही आ जाना, सॉरी यहाँ पे ईमेल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड। अब जो जो डेटा हम स्टोर करेंगे, जो डेटा करेंगे वो इसमें आता जाएगा, जो जो डेटा स्टोर करेंगे वो हम फ्रंट एंड से भेजें, बैक एंड से पोस्टमैन से भेजें, ये डेटा इन प्रॉपर्टी में स्टोर होता जाएगा। ये एक डेटा आ गया, एक यूजर और आया, आपने कहा यार मैंने एक यूजर का और डाटा स्टोर करना, नाम तो यही रहेगा, ऑब्जेक्ट बदलते जाएंगे, यहाँ पे उसकी अपनी कोई ना कोई आईडी आ जाएगी, यहाँ पे वो वाला डाटा आ जाएगा, स्ट्रक्चर यही रहेगा जो आपने डिफाइन कर दिया ना, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। क्योंकि जो आपने एक दफा स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया उसी के अंदर, तो ये तो नहीं ना एक यूजर की आपने चार प्रॉपर्टी ऐड की, आपने कहा यार एक दो यूजर है वो जो मेरा काफी पसंदीदा है,
यानी हमजा अब्बास आप हमें होस्ट बना रहे हैं, आप इधर नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, आप होस्ट बन गए हैं, बना लेंगे होस्ट हमें वापस। ये देखें जो नाम आ रहे हैं ना साइड पे, इसके साथ छोटे छोटे डॉट बने होते हैं, तीन चार डॉट डॉट डॉट, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, वहां पे होगा मेक होस्ट, मेक को होस्ट, रिमूव होस्ट या रिमूव यूजर, मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगी, तो मेक होस्ट करेंगे तो वो होस्ट बन जाएगा। हमजा पता लगा हो ए सी चला के सो रहा हो। अब फिर एक ही ऑप्शन बचती है, जब गवर्नमेंट की कोई ना सुने तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगा। ले जी वापस आए, ले जी एक छोटे मोटे मसले में सारा आते ही रहते हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। इधर चला गया, क्लास पूरी होगी, चलें खुद ही देखेगा रिकॉर्डिंग। अच्छा जी ये देखें, इसको बनाने के लिए, स्कीमा को बनाने के लिए आप मोंगो डीबी अनफॉर्चुनेटली आपको कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देता कि आप डायरेक्ट ही जाके इस तरह की प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। उसके लिए अगर आप बनाना चाहते हैं बैकएंड पे नोड के अंदर, तो उसने एक नई लाइब्रेरी बना दी है, बहरहाल काम उसने आसान कर दिया है, आपकी ज़िंदगी आसान कर दी, उसका नाम है मोंगूस। ये और साथ लिख दें, इधर लिख दें npm ताकि इंस्टॉलेशन करने की कमांड भी देख लें। इसको पढ़ेंगे ना आपको खुद ही, इन्होंने साथ ही लिखा होगा इसके डेफिनेशन में, बहुत मुश्किल लिखा हुआ है। हाँ ये देखें, इधर देखते हैं इधर कुछ शायद आसान लिखा हो। यार कितनी इंग्लिश मुश्किल, ये देखें मोंगूस प्रोवाइड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कीमा बेस्ड सॉल्यूशन टू मॉडल योर एप्लीकेशन डेटा, इट इंक्लूड बिल्ट इन टाइप कास्टिंग, वैलिडेशन, क्यूरी बिल्डिंग, बिजनेस लॉजिक, हुक्स एंड मोर आउट ऑफ द बॉक्स। वो कह रहे हैं कि जनाब आप रन टाइम पे उसकी डाटा भी बना सकते हैं, वैलिडेशन भी दे सकते हैं, टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं। हाँ अगर आपको रिलेशनशिप्स का आइडिया होगा, पढ़े किसी ने यूनिवर्सिटी में गलती से, चलो आपने पढ़े बाकी क्या समझ आएगी। देखें आप एक अज्यूम कर ले बैंक है, अब बैंक के अंदर मैं भी अकाउंटेंट हूँ, आप भी हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो एंट्रियाँ कर रहे हैं कि मेरे पास आज इतने चेक आए, वो अपने बैंक से डेटा ऐड कर रहे हैं। अब शाम को कोई हेरा फेरी हो जाती है, बैंक में पता चला जनाब 50 लाख के आगे पीछे हो, वो कैसे ट्रेस आउट करते हैं, वो देखते हैं कि किस बंदे ने एंट्री की, वो जाके सिस्टम में चेक करेंगे, जिस बंदे ने एंट्री की उसको बुला लेंगे, जनाब ये किधर भेज दिए 50 लाख। कैसे ट्रेस आउट करते हैं उनके ना दो टेबल्स नहीं, मैं एंट्री कर रहा हूँ, मेरे टेबल का डाटा जा रहा है, अज्यूम कर लें कि बैलेंस शीट का टेबल बना हुआ, उसमें डाटा जा रहा है,
उस बैलेंस शीट के बाद भी उन्होंने एक आगे टेबल बनाया होता है जिसमें फाइनल डाटा ऐड हो रहा है, मुख्तलिफ टेबल का आपस में लिंक हुआ हुआ है, ये समझ, आपस में डिफरेंट टेबल्स का कनेक्शन हुआ हुआ है। आपको वैसे लगता है कि सेलमैन शॉप्स पे खड़े हैं, वो डाटा ऐड कर रहे हैं, वो एक सेलमैन मैं हूँ, एक सेलमैन बी है, एक सी है, वो जितने भी डाटा ऐड करते हैं वो अल्टीमेटली जाता तो किसी एक जगह पे है, उनके एंट्री फॉर्म अलग होते हैं। उनका क्या होता है, जो वो अपना डाटा ऐड करते हैं उनके अकाउंट में तो रहता ही रहता है, वो अल्टीमेटली किसी और जगह पे भी स्टोर हो। उस स्टोर का मकसद क्या होता है, इन टेबल्स को आपस में कनेक्ट करके रखना ताकि जब कल को आप कमांड लगाएं तो डाटा डुप्लीकेशन को कंट्रोल किया जा सके। अगर मैंने एक एंट्री कर दी है तो मैं दोबारा वो वाली एंट्री ना करूं। अगर मेरा मेन डेटाबेस से लिंक ही नहीं होगा, टेबल से लिंक नहीं होगा, तो डेटा में डुप्लीकेशन आने के चांसेस होते हैं, वहां पे रिलेशन होती है। ये क्यूरी बिल्डिंग तब ही बनती है जब आपने मल्टीपल डेटाबेस में से एक डेटा निकालना हो या टेबल में से निकालना हो। अच्छा, मल्टीपल डेटाबेस में कह रहा हूँ, ये एक रॉन्ग टर्म है। कंपनी का डेटाबेस एक ही होता है, उसमें टेबल जितने मर्जी बना, हो सकता है आपने स्टाफ का अलग डेटा रखना हो, अकाउंट्स का अलहदा रखना हो, एचआर का अलहदा रखना हो, सेल का अलहदा रखना हो, पेमेंट का अलहदा रखना हो, टैक्स का अलहदा रखना हो, ये सब टेबल्स बनते जाएंगे। इनके हर हेड वाइज स्कीमा का अलग अलग बनते जाएंगे, उन सब के ऊपर डेटाबेस एक ही हो। अंदर आपके टेबल्स या स्कीमा डिफरेंट हो सकते हैं, हर एंटिटी के लिए अलग स्कीमा बनेगा। इम्प्लॉयज है उनका अलग पूरा मॉडल, उसमें हम ले लेंगे इम्प्लॉयज आईडी, इम्प्लॉयज का नाम, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, या जो भी पर्टिकुलर कंपनी आपको दे, और डेटाबेस जो है वो एक ही होगी। अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टेबल, या कंसिस्ट ऑफ जो किसमें, आप कह रहे हैं बात सही अलग अलग सीमा बन जाएगा, यूजर्स का अलग बन गया, प्रोडक्ट का अलग बन गया, स्कीमा बनते जाएंगे ना। इन स्कीमा को बनाने के लिए एक लाइब्रेरी है मोंगूस, इसको इंस्टॉल करने का तरीका देख लें, इधर ही लिखा हुआ है NPM I Mongoose। एक तो ये काम करता है कि आपको स्कीमा बनाने की सहूलत देता है, और दूसरा इसका सबसे मेजर काम है नोड को MongoDB से कनेक्ट करवा, खुद ब खुद ही वो कनेक्ट नहीं हो जाती कि ये डेटाबेस पड़ी है और ये सर्वर पड़ा हुआ है, वो आपस में खुद ही कनेक्ट हो जाए, उनकी कनेक्टिविटी करवाने के भी ये काम आता है। ये इसके दो मेजर काम है, एक तो मोंगूस को नोड से कनेक्ट करवाना MongoDB को, और दूसरा स्कीमा डिजाइन करना। लें जी, इसको पहले इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे आके इसको फेल कर देते हैं, CLS NPM I Mongoose। MongoDB एक डेटाबेस है और ये एक लाइब्रेरी। हाँ, ये एक लाइब्रेरी है, ये एक टूल है जो डेटाबेस को कनेक्ट करवाने के काम आता है नोड के साथ, प्लस इसके अंदर स्कीमा बनते हैं। MongoDB के अंदर डायरेक्ट स्कीमा आप नहीं बना सकते। इतना काम है, वेरीफाई भी कर लें। जब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें ना, तो बाद फौरन ये काम साथ साथ ही कर लिया करें। बाद ऐसे होता है कि आप पूरी एप्लीकेशन बना लेते और बाद में पता चलता लाइब्रेरी नहीं है, वो 2 घंटे खपने के बाद जब डीबगिंग करते हैं तो पता चला कि मोंगूस इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ। नहीं, ये काम हमने कर लिया, बहुत अच्छे। यहाँ पे आप एक मैं फोल्डर बनाता हूँ जिसमें आप डेटाबेस की कनेक्टिविटी से रेलेवेंट जितने भी काम है उसमें रखेंगे, डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी काम वो इसमें रखेंगे, ताकि फाइलों का जरा फ्लो मेंटेन रहे। डेटाबेस में मॉडल बनाने इसमें रख दें, डेटाबेस की कनेक्टिविटी करानी इसमें रख दें, प्रोडक्ट का कोई बनाना है मॉडल इसमें रख दें, ताकि आपका कोड एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में रहे। ये एक प्रोफेशनल तरीका है, अभी के लिए तो फिलहाल बिल्कुल ही आप कह सकते हैं इतना प्रोफेशनल तो नहीं है, क्योंकि अभी बाकी फोल्डर, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर्स, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी हिस्ट्री आ गई, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि आप इधर ही पहले यहाँ पे ही कल से आपके चेहरे उतरे उतरे से नजर आ रहे हैं, एक नई दुनिया में आए हैं, तो वो मजीद अगर मैंने थोड़ा सा जुल्म किया तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल रख। अभी मैं फोल्डर स्ट्रक्चर या कम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ नहीं जा रहा। लें जी, इसके अंदर मैं फिलहाल अभी DB बनानी है, तो एक फाइल ले लेते हैं, उसका नाम ही DB.js रख। आपको अभी हमने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल किया है मोंगूज, उसको सबसे पहले आपने रिक्वायर कर या इंपोर्ट कर लें, अगर यह सीख है तो इंपोर्ट कर। यार स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको, ब्लैक पक्की बात है या वाइट कर दें। चलो,
अच्छा जी, इसके अंदर ही मैंने आपको बताया आपको ऑप्शन मिलती है मंगूस, ये मैंगोरा कर दिया मंगूस डॉट कनेक्ट, ये इसके अंदर ही आपको मेथड मिलता है मंगूस के अंदर भाई किसको कनेक्ट करवाना है ये ले। अब कल आपको मैंने एक काम दिया था मोंगो डीबी इंस्टॉल करने का, ये वाला। ओ जैसे आपकी रिएक्ट ऐप का पाथ होता है लोकल नोड का पाथ होता है, इस तरह मोंगो डीबी की भी ये पाथ होता है। देखा इसे कनेक्ट कराने का ये रास्ता है जनाब, इसको अगर आपने लॉक खोलना है तो ये समझ लें उसका ताला है, ये उसकी चाबी समझ, ये उसका पाथ है। उसको कैसे पता चले, देखिए मेरे कंप्यूटर में 200 सॉफ्टवेयर पड़े हैं, उसको कैसे पता कि मैंने उनमें से किसके साथ कनेक्ट करो, ये उसकी कनेक्टिविटी का पार्ट है ये वाला। ये पकड़े कॉपी करें इधर से आप फिलहाल इसको कर दें कनेक्ट, मैंने पाथ कॉपी कर लिया है और यहाँ पे आप आके इसको कर दें पेज। चलें ये असल काम इतना ही होता है ये डेटाबेस से कनेक्ट कराना, लेकिन आपको इससे पता क्या चलेगा कि आपकी डेटाबेस कनेक्ट हुई है अभी या नहीं, कैसे पता चलेगा? फर्ज करें हो सकता है डेटाबेस कनेक्ट भी होगी हो और मुझे पता ही नहीं चले, वो कनेक्ट ना भी हुई हो मुझे कैसे पता चलेगा? उसके लिए बेटर सोल्यूशन होता है कि आप यहाँ पे ना एक लॉजिक बना लें, मैसेज एक रन टाइम पे जनरेट कर लें कॉल बैक फंक्शन के अंदर, यहाँ पे लिख दें डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, और अगर ना हो तो यहाँ पे एक एरर को कैच कर लें, इसके अंदर आप एक एरर दे दें या लिख दें एरर इन डीबी कनेक्शन, और कैच ये ट्राई कैच वाला, हाँ ये ट्राई कैच वाला है। अच्छा ये थोड़ा सा ना पुराना तरीका हो गया ये वाला, हो सकता है आपको नेट पे भी यही मिले यूट्यूब पे भी यही मिले, बस यही प्रॉब्लम है ना घर जाके। मैं आपको बता दूं मेरे ख्याल में यानी मेरा मानना है कि पूरे पीएनवाई में सबसे शॉर्ट कोडिंग मैं लिखता हूँ, सबसे शॉर्ट और नीट क्लीन कोडिंग। तो अगर आप मेरा लेक्चर छोड़ के यूट्यूब पे या गिटहब पे लेक्चर ढूंढेंगे तो मैं समझता हूँ आप बदनसीब लोग इस कोर्स में, मतलब मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ ईमानदारी से आपको हर चीज वर्ड बाय वर्ड पढ़ा रहा हूँ और आप जाके फिर कहें सर यूट्यूब पे देख लें, वो आपको समझ ही नहीं है, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। हर डेवलपर के कोड लिखने का तरीका अलग अलग होता है, आप 100 डेवलपर्स को भी देखेंगे तो 100 के 100 का कोड अलग होता है, काम सब सेम कर रहे होते हैं, हर बंदे की कोडिंग लिखने की टेक्निक अलग अलग है। मैंने इतने बैच पढ़ाने के बाद चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किया, पहले मैं भी लिखता था 40-50 लाइनों पर, ग्रेजुअली जैसे हमारा नॉलेज बिल्ड हुआ आहिस्ता आहिस्ता तो ऐसे ऐसे चीज़ों को शॉर्ट करते करते ये आप लोगों के लिए सुलभ बन गया। तो देख लें एक तो ये तरीका है, ये भी चलता है, इसको आप ऐसा करें कॉपी करके इधर कमेंट कर दें, इसको मैं इधर लिख देता हूँ डेटाबेस कनेक्शन मेथड। चलो एक तो ये तरीका है, ये आपको यही वाला मिलेगा यूट्यूब वगैरह पे। इसकी बजाय मैं पता क्या करता हूँ, क्योंकि हम फंक्शन बनाने के सारे सबको पता है एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं, मैं एक डीबी कनेक्शन के नाम से एक एरो फंक्शन बनाता हूँ, क्या इसमें मेरा किसी को मसला है इस पैटर्न में? ट्राई कैच ना भी दें कोई मसला नहीं, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है ना सारा, ठीक है। इसके अंदर हम ट्राई कैच बना रहे हैं और ये वाला जो कनेक्शन कर रहे हैं ना मंगूस डॉट कनेक्ट, ये आप इसके अंदर कर, आपने कनेक्शन करने के लिए फंक्शन एक बना दिया, ये समझ लो एरो फंक्शन, या अगर आपको एरो नहीं पसंद तो सिंपल बना ले, वैसे बेहतर है कि आप एरो ही बनाएं, ये सिंपल फंक्शन बन गया, क्योंकि चल मॉडर्न रहा तो एरो फंक्शन बना ले। यहां पे आपको ये फायदा हो गया कि यहां पे आप इस फंक्शन को एसिंक अवेट भी कर सकते हैं और इसके अंदर मल्टीपल चीजें ले सकते हैं। यहाँ पे जाके मैं कंसोल पे लिखता हूँ बैटिक्स में डेटा बेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, और इधर वो कलर्स इधर भी इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट कलर फ्रॉम कलर्स, और यहाँ पे आगे कर दें डॉट बीजी ग्रीन कर दें,
अगर ना हो तो एरर दे दें एक, और एरर दे दें डॉट बी जी रेड में, और लिख दें एरर इन डीबी कनेक्शन, और इसको आप कर दें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डीबी कनेक्ट। ये सिंपल ही है, सिक्स वाला वो रिएक्ट वाला ही काम होता है, ये ज्यादा ज्यादा आसान है ये वाला। इसमें ना बाद बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डॉट देन वो कहते हैं पता नहीं डॉट देन क्यों लगाया, क्योंकि जब आपकी एसिंक अवेट हो तो आपने उनके रिस्पॉन्सेज को भी तो हैंडल करना है ना। मैंने आपको बताया असल आपका काम ये वाली स्ट्रिंग है, ये आपका कनेक्शन हो चुका है यहाँ पर, इतना ही काफी है। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि डेटाबेस हो सकता है फेल हो गई हो या सक्सेसफुल हुई हो, उसको चेक करने के लिए थोड़ा बहुत हमें आगे प्रोसेस करना पड़ता है। लें जी इसको अगर एसिंक बनाया तो इसको अवेट भी बना दें। एक चीज और जरा ध्यान करें, ये पता है पाथ कौन सा है, ये मोंगोडीबी कंपस का ओवरऑल पाथ है इस एप्लीकेशन से कनेक्ट कराने के लिए। इसके अंदर देखें कितनी पहले ही डेटाबेस पड़ी है, पीएनवाई डेटाबेस किसी ने बनाई, एडमन कॉन्फिग फ्लिपकार्ट लोकल यूजर डेटा, भाई इसमें से किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट कराना है कोई नहीं। हम अपनी डेटाबेस यहाँ पे बना लेते हैं रन टाइम पे, या इधर बना ले मैनुअल यहाँ पे, उसको नाम दे दें यूजर प्रोफाइल की डेटाबेस बनाऊंगा, उसमें टेबल का नाम रखता हूँ यूजर्स, ये डेटाबेस का नाम आ गया और ये आ गया जो अंदर टेबल बनेगा, क्रिएट करें ये देख ये आ गया यूजर प्रोफाइल। मैं चाहता हूँ कि मेरी डेटाबेस इस डेटाबेस से कनेक्ट करवाओ इससे, तो यार क्या कर रहा है, अच्छा ये तो आपके हो गया मोंगो डीबी का पाथ, ये डेटाबेस है जिससे कनेक्ट कराना है, क्योंकि एक एप्लीकेशन के अंदर पता नहीं कितनी डेटाबेस हो सकती हैं। तो इसमें हो सकता है मैंने अपनी डेटाबेस बना दी, एक और टीचर आया वो कुछ और पढ़ा रहा है, एलएमएस उसने अपनी के लिए देखें पीएनवाई डेटाबेस किसी ने बनाई हुई है, एडमन की है, फ्लिपकार्ट की है, यूजर प्रोफाइल की है, इसी तरह मैंने अपनी डेटाबेस बना दी यूजर प्रोफाइल के नाम, इससे कनेक्ट कराना है ये पाथ होगा, और इस प्रोफाइल से कनेक्ट कराना है, बस इसका इतना ही काम है। डेटाबेस आपके अगर कनेक्ट हो जाती है तो यहाँ पे मेन एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कराना, तो पहले इसको इंपोर्ट करें डीबी कनेक्शन, ये इंपोर्ट होगी जैसे आम करते हैं आप। हाँ इसमें एक छोटा सा आपने ख्याल रखना है, अगर आप ES6 यूज कर रहे हैं ना तो आपको पूरी एक्सटेंशन भी साथ लिखनी पड़ती है .js, अगर ES5 वाला मेथड यूज करते हैं तो .js लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब अगर मैं फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं आप, इसी तरह करते हैं ना, इसी तरह करते हैं, इसको मैंने इधर आगे कॉल करना है तो यहाँ पे आगे ब्रैकेट ही लगा देता हूँ, ये ले यहाँ पे लिख देता हूँ डेटाबेस कनेक्शन सेमीकोलन, बन गया। अब जाके इसको चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस कनेक्ट हो गया या नहीं, npm डॉट हुई है तो तब भी, नहीं हुई है तो तब भी, अभी देखें वो कनेक्ट नहीं हुई, अगर मैं इसका async await हटाता हूँ एरर भी नहीं आया, ये डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ओके। अच्छा इसमें ना हो सकता है आपके भी कोई इस तरह का छोटा मोटा मसला है, ये इसका जो लोकल पाथ है ना ये मसले क्रिएट करता है, क्योंकि हमारे सिस्टम पे डिफरेंट इंस्ट्रक्टर टीचिंग कर रहे होते हैं, कोई जैम पे पढ़ा रहा है, कोई जावा का करवा रहा है, कोई पाइथन का करवा रहा है, तो इसको लोकल पाथ को आइडेंटिफाई करने में मसला आता है। इसका एक एग्जैक्ट लोकल पाथ भी होता है 127.0.0.1 127.0.0.1, ये आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप लिखें मोंगो डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग, अच्छा ये कनेक्शन की स्ट्रिंग ले लेगा, उसको लिखें मोंगो डीबी कनेक्शन
ये देखो ये लिखा है, ये माई ऐप डेटाबेस होगी, मोंगो डीबी 127.0.0.1 और 227.17, यही वाला आप काम करें, या इधर से उठा लें जो अभी मैंने इधर दिया है, इधर से कॉपी कर लें। अब इसको कनेक्ट करते हैं आगे इस पे, और ये वाला काम इधर भी करते हैं, ये कंट्रोल एस करें, इधर आ जाएं, ये देख डेटाबेस कनेक्ट किस पोर्ट पे चल रही है उसका मेथड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप डॉलर साइन लगाएं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोंगूस के अंदर ही मिलता है डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट, किस होस्ट पे चल रही है अनडिफाइंड, उसको होस्ट ही नहीं मिलते भाई, अनडिफाइंड तो नहीं है, एसिंक कर दें, अवेलेबल कर दें। ठीक है, मेथड तो ठीक है, अच्छा उसको अभी एसिंक का वेट नहीं बनाते भाई, क्योंकि अभी हमने एसिंक का वेट वाला काम किया भी नहीं, वैसे तो अनडिफाइंड आ रही है पोर्ट। ओके मंगूस डॉट कनेक्शन, इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, डेट कॉन इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे आप कहते हैं कॉन डॉट कनेक्शन, अच्छा कनेक्ट आ रहा है, ओके मंगूस डॉट कनेक्ट डॉट होस्ट नहीं होगा, मंगूस डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट होता है, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है भाई, वाई वाई वाई, ओके अच्छा वो हमने ट्राई कैच लगा लिया इसलिए आ रहा है, ठीक हो ओके समझ आ गई, इसको जरूरत ही नहीं, या तो ट्राई कैच लगा लें फिर, या ये वाला ना लगाए, हम भी देख नहीं रहे हैं। अच्छा जी ये देखें अभी के लिए आप फिलहाल डेटाबेस कनेक्ट करें, वो आगे छोटे मोटे ट्रिकी पार्ट आएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, कि या तो आप ट्राई कैच अगर लगाना चाहते हैं तो फिर एसिंक का वेट ना लगाएं, उससे अदरवाइज आपको पोर्ट गेट करने में मसला आएगा। ये देखें जैसे मैंने उसको एसिंक का वेट किया वो कनेक्शन ही गए थे, ये इधर आ रहे। अच्छा जी ये हो गया, कनेक्शन हो गया, अब आपका मरहला रह गया, क्या मरहला रह गया जी, स्कीमा बना यूजर डॉट जी एस, इम्पोर्ट मोंगूस को यूज करके मैंने बनाना है तो मोंगूस कर लें, इसके अंदर मिलता है आपको ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके होते हैं, किस तरह ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं, एक तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह आई डी वन नेम आ गया, एक तो ये तरीका होता है, अगर आप में से किसी ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी हो तो इस तरह भी उसका ऑब्जेक्ट बनता है, न्यू यूजर ये ब्रैकेट इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट यूजर ये इस तरह भी ऑब्जेक्ट बनता है, शायद अरसलान साहब ने पता नहीं आपको पढ़ाया है या नहीं, ये ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके होते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन भी हो आप नेट पे भी देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आप लिखें ऑब्जेक्ट इन जावा, ये ट्रेडिशनल तरीके हैं क्योंकि मोंगो डीबी में उन्होंने अभी तक इसमें नोड में इतनी ज्यादा रिफॉर्म नहीं की कि उसको अपडेट किया जाए, लेकिन आपको दोनों मेथड्स का पता होना चाहिए, इधर आए कहीं ना कहीं न्यू के कीवर्ड से बना रहा है, ये जॉन आ गया, जब आपने क्लासें बनाई इधर बनाया ऑब्जेक्ट, ये देखें एक तो वो कह रहा है ये तरीका है, ये आपने पढ़ा ही हुआ है, फिर उसके अंदर ये बन गया, आइए देखें ये बन गया,
सो हमने MongoDB के अंदर अब ऑब्जेक्ट बनाना है इसको निकाल के, इसमें आपको मिलेगा न्यू मोंगूज डॉट स्कीमा, ये मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ ये वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया जो प्रॉपर्टी स्टोर होगी वो होगी जेसन ऑब्जेक्ट में, तो उसके लिए आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाने का ये तरीका होता है MongoDB में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे नेम चाहिए, या तो आप यहाँ पे उसकी टाइप डायरेक्टली लिख दें स्ट्रिंग, एक तो ये तरीका होता है, इधर ही लिख दें नेम स्ट्रिंग है, उसके अलावा आपने ईमेल रखना है उसकी टाइप स्ट्रिंग है, पासवर्ड है फिलहाल उसकी भी मैं अभी स्ट्रिंग कर लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ एड्रेस। चलो ये सिंपल सिंपल तरीका, एक तो ये तरीका, इसको किसी आगे वेरिएबल में स्टोर कर लें, लेट स्कीमा। जी अल्लाह शुक्र। जी सर, वो मैंने मॉड्यूल वाइज लिखा हुआ है, वो आपको उसी मॉड्यूल के अंदर कोई एक दो दिन का आप प्लस माइनस हो सकते हैं। सर आवाज,
क्लाइंट आ गया और मैं स्कूल से घर बैठ। अच्छा जी ये देखें जी, एक तो मैंने आपको ये वाला तरीका बताया, ये सिंपल सिंपल है, नेम स्ट्रिंग है, एड्रेस स्ट्रिंग है, ईमेल स्ट्रिंग है, पासवर्ड स्ट्रिंग। अब दूसरा जो मैंने आपको बात बताई थी, इसको वैलिडेशन भी इधर कर सकते। मैं कहता हूँ नया नेम की टाइप रखो स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड कर दो ट्रू, ये देखो रिक्वायर्ड कर दें ट्रू। अब ये मैंडेटरी हो गया, एक तो ये तरीका रिक्वायर्ड करने का, और अगर आप चाहते हैं नहीं मैंने मैसेज भी साथ देना है तो ये भी तरीका होता है, टाइप उसकी स्ट्रिंग कर दें और यहाँ पे रिक्वायर्ड की बजाय आप एक अरे लें, यहाँ पे ट्रू कर दें और यहाँ मैसेज दे दें प्लीज फिल योर एड्रेस फर्स्ट, हो गया मसला सॉल्व। और आप चाहते हैं कि अगर वो कोई वाइट स्पेसिस देता है दाएं बाएं से तो ट्रिम कर दें उसको, ट्रिम ट्रू। ट्रिम पता क्या करता है, वाइट स्पेसिस रिमूव कर देता है। हो सकता है यूजर ने जब टाइप करना हो, आपने अक्सर एक्सेल में पता नहीं किसी ने यूज किया या नहीं किया, बार इधर मैं आपको समझा रहे तो यार क्लास में बना नहीं बैठा। अच्छा ये देखिए इधर आए, यहाँ पे मैं जानबूझ के देता हूँ, ये देखें मैंने स्टार्ट में स्पेस दे दिया, इमरजेंसी तो मुल्क में भी नहीं है। इसको अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो इसका मेथड इधर एक्सेल में भी होता है ट्रिम, ये देखें अगर मैं ट्रिम करता हूँ इधर क्या करेगा, ट्रिम में ये देता हूँ वैल्यू, ये देख उसने स्पेस रिमूव कर दी है। और यूजर का कोई भरोसा नहीं, वो कहे यार इतनी बड़ी खाली इनपुट फील्ड है मैं ऐसे कर लेता हूँ, हाँ क्या पता है, वो कह रहे जनाब लाहौर और इधर से मॉडल टाउन और इधर कर ले फिर लाहौर करके, और एंड पे कहे यार फिर भी अभी इनपुट फील्ड खाली है इसको भी फिल कर, एक्स्ट्रा स्पेसिस रिमूव करता है ट्रेन, ना भी दे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एहतियाती तौर पर। अब देखिए मैं इसलिए जानबूझ के ना एक एक प्रॉपर्टी के साथ नई फीचर ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले आप किस तरह यूज कर सकते हैं। और अगर सर, जी सर वो क्वेश्चन है सर, वो जो फॉर्मेट मतलब एक स्पेसिफिक फॉर्मेट रखती है जैसे ईमेल का या मतलब पासवर्ड का स्पेसिफिक 8 कैरेक्टर वाला फॉर्मेट, वो वाली वैलिडेशन अप्लाई हो सकती है सर? हो सकती है, उसके लिए आप कस्टम वैलिडेशन लिख सकते हैं, लेकिन ये बैक एंड पे नहीं लिखी जाती, वो क्लाइंट साइड पे होती, जब यूजर इनपुट कर रहा होता है ना आप उसको उधर ही वार्निंग दे के डाटा सबमिट करने की इजाजत ही ना दें, आप बैक एंड वाले पे तो ना सारे बेचारे पे जिम्मेदारी डालें। देखिए क्लाइंट साइड पे फ्रंट एंड पे बकायदा ईमेल और डाटा लिखने के बकायदा फॉर्मेट है, अगर वो फॉर्मेट गलत दे रहा है तो आप वो बटन सबमिट करने की इजाजत ही ना उसको दें। देखिए जब सबमिट पे क्लिक होगी फिर तो डाटा चला गया, आपने वैलिडेशन ही उधर कर देनी है। ये हम रखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर के लिए, हो सकता है कि फ्रंट एंड डेवलपर सोया हुआ हो या कोई उसको पता ही ना हो वैलिडेशन का, फिर हम मिनिमम जो है ना मिनिमलिस्टिक जो है चीजें अपने तौर पे हैंडल कर लेते हैं कि यार वो खाली ना भेजे। एक्चुअल में ये काम इधर भी हो सकता है लेकिन वो बैकएंड की फंक्शनैलिटी फिर बहुत ज्यादा एडवांस हो जाती है, मतलब फिर तो फिर क्लाइंट साइड का फायदा क्या। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आप रिएक्ट के बगैर इधर क्लाइंट साइड का काम भी कर सकते हैं, इधर भी फ्रंट एंड बना सकते हैं फिर आप रिएक्ट में काम ही ना करें, उसको आप कहते हैं ईजेएस व्यूज, ईजेएस ये इंजन है, आपको फ्रंट एंड काम करने की जरूरत ही नहीं है, आप बैक एंड भी फ्रंट एंड बना सकते हैं। ये लाइब्रेरी ने पूरी दी हुई है, इसमें आप एचटीएमएल लिखें, फॉर्म बनाए, नैवबार बनाए, कार्ड्स बनाए, सारा काम इधर हो जाएगा, तो फिर फ्रंट एंड की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये कि ये उस लेवल तक नहीं होता जिस लेवल तक उन्होंने पूरी एक लाइब्रेरी बनाई है, ऑब्वियसली रिएक्ट ये उसके लेवल का तो नहीं बन सकता लेकिन आपका काम हो सकता है। लेकिन जी नेम आ गया, पासवर्ड की बजाय इसको रखना था एड्रेस, एक और बना लें, इसकी कॉपी कर लें, इसमें कोई नई फीचर ऐड कर देते हैं ईमेल, इसकी टाइप स्ट्रिंग ही रखनी, रिक्वायर्ड ट्रू करना है और इसको मैं कहता हूँ यूनिक भी ट्रू कर दो। अगर ये वाला काम नहीं करते ना तो इमरान नाम के 4 ईमेल अकाउंट आपके डेटाबेस में स्टोर होने का इम्कान है। अगर मैं कहता हूँ imran.atv@gmail.com, इस नाम से मैं अगर इसको 5 दफा भी स्टोर करूंगा तो वो स्टोर कर देगा, इसलिए इसको यूनिक रखा है कि एक कोई ना कोई चीज तो यूनिक रखे ना, आईडी तो चले यूनिक है ही है, कल को आपने प्रोसेसिंग करनी है डेटाबेस को, जब नया यूजर रजिस्टर्ड करेगा आईडी की बेस पे थोड़ा हम ढूंढेंगे उसको, मैं देखूंगा कि क्या इमरान नाम का पहले से कोई अकाउंट तो नहीं पड़ा हुआ, अगर पड़ा है तो उसको कह देंगे जनाब ये तो पहले से रजिस्टर्ड है,
इसलिए कोई ना कोई चीज एक यूनिक बना लो। फिलहाल पासवर्ड रह गया और पासवर्ड को भी आप दे दें यहाँ पे, इसको सिंपल ही रखें, टाइप स्ट्रिंग ही रख लें और रिक्वायर्ड ट्रू कर दें कि देना ही देना। चलो अब देखें ये वाला स्कीमा भी आप काम करेंगे तो चल जाएगा। ये थोड़ी सी इसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है तो ये वाला भी काम करेगा, दोनों ही काम करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे इधर खत्म हो रहा है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे कॉमा देके एक नई चीज आजकल मार्केट में आ गई है वो भी आप देख लें, मार्केट में नए नए मैसेज आते हैं, इस तरह एक नई चीज है टाइम स्टैम्प, इसको कर दें ट्रू। क्यों, किस बंदे ने किस वक्त एंट्री की है, मैं आप पी एन वाई में 6 बजे तक ड्यूटी है, अब मैं रात के 9 बजे को एंट्री कर दूं और वो एंट्री भी खतरनाक हो जिससे कोई नुकसान हो जाए, तो ये टाइम स्टैम्प ये करता है कि किस वक्त एंट्री हुई, कौन सी डेट को एंट्री हुई, वो बकायदा टाइम जोन सेकंड तक नोट करता है। और अगर आपने उसमें कोई अंदर मॉडिफिकेशन की, हो सकता है कि रिकॉर्ड पहले से पड़ा हो, आप आए आपको गुस्सा था कि यार इसका मैं पासवर्ड ही बदल देता हूँ, आपको डेटाबेस की एक्सेस मिल गई, आप गए और उसमें चेंज कर, ये आपकी एंट्री का लॉग भी मेंटेन करता है टाइम स्टैम्प। ना करें तो प्रॉब्लम नहीं, कर लें तो बेहतर है, आपका काम सिक्योर हो जाएगा। लें जी ये प्रोफेशनल तरीका है स्कीमा बनाने का। और अगर आपको ये मसला आ रहा है कि सर आप टाइप स्ट्रिंग स्ट्रिंग कैसे लिखे जा रहे हैं, तो आप मोंगूस की साइड पे जाएं, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाता है कि किस किस्म की डाटा टाइप आप इसमें रख सकते हैं। सारी डाटा टाइप नहीं, आप आंखें बंद करके जनाब जो दिल में है रख दें, डाटा टाइप्स रखने का भी तरीका कार है। यहाँ पे आप आए, इधर आ जाए, अरे स्लो बहुत चल रहा है, ये देख ये पढ़ परमिटेड स्कीमा टाइप्स, स्ट्रिंग नंबर डेट बफर बूलियन मिक्स ऑब्जेक्ट आईडी अरे डेसिमल मैप यूयूआईडी, ये आप टाइप रख सकते हैं। इनको अगर चेक करना है तो इस पे क्लिक करें, इसकी आगे हिस्ट्री खुल जाएगी, ये देखिए न्यू स्कीमा, चले इसको इन्होंने हमेशा ये लेकिन ट्रू उसने किया कि ट्रू वन है, यस है, नो है, ये उसी तरह स्कीमा बना दिया स्ट्रिंग, ये इसने मुश्किल ही वैसे काम किया हुआ है। टाइप ऑफ मैप लो, ये देखें ये नेम आ गया टाइप स्ट्रिंग, ये हमेशा नेट वाले कंफ्यूज ही करते हैं। ये देखें नेम स्ट्रिंग रखा, पिक्चर भी उसने रखी, उसकी टाइप भी स्ट्रिंग रखी है। देखिए ये टाइप अगर आपने देख रहे हो तो टाइप इधर आपको ये पता चलेगा किस तरह का डाटा आप स्कीमा के अंदर बना सकते हैं। लेकिन स्कीमा भी बन गया, अब इसको एक्सपोर्ट कर दें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्सपोर्ट यूजर के नाम से। इसको एक्सपोर्ट करने का तरीका है मोंगूस के अंदर जो मॉडल आपने बनाया है, ये मॉडल है पूरा, उसको एक्सपोर्ट करना और भेजना कहाँ पे है, यूजर्स के अंदर, ये जो डेटाबेस का आपने टेबल का नाम रखा है ये वाला। इसके लिए मैं ये स्कीमा बना रहा हूँ, अभी तो खाली है। यहाँ अगर आप कोई पुराना डेटा किसी का देखें, हाँ ये देख ये आ गई चीजें, इसमें ये स्कीमा खाली बन जाएगा, फिर मैं प्रॉपर्टियां ऐड करता रहूंगा, वो ऑटोमेटिक इसमें प्रॉपर्टीज ऐड होती रहेंगी, अभी तो ये ब्लैंक है। सो ये वाला डाटा आपने एक्सपोर्ट करना है, इधर जाके एक्सपोर्ट यूजर मोंगूस डॉट मॉडल यूजर्स और कॉमा करके आपने दूसरी चीज इसको देनी होती है, इसको कॉन्स्ट करें अभी कॉन्स्ट, और दूसरी प्रॉपर्टी देनी है ये स्कीमा ये, और यहाँ पे आप इसको कर दें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये वेरिएबल में स्टोर कर लिया ना, उसको नीचे बाहर में एक्सपोर्ट कर दिया, इसको इंपोर्ट करना मेन फंक्शन में जहां पे यूज कर, इधर यूज कर पूरी ऐप में जहां दिल करता है इसको यूज करें। अब मिसाल के तौर पे मैं यहां पे यूज करना चाहता हूं तो सबसे पहले इसको यहां पे कॉल करें यूजर, ये आ गया। अब आपने डेटाबेस में डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए एक राउट बनाए, चारों मेथड मिल गया, एप डॉट पोस्ट इस पाथ पे पोस्ट करना है, मैं कहता हूँ स्लैश उसका पाथ हो रजिस्टर, वही दो चीजें इसको दे दें कॉमा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स
और यहाँ पे जाके आप दे रहे हैं इसको रिस्पॉन्स डॉट सेंड। क्या सेंड करेंगे? लिख रहे हैं एपीआई इज वर्किंग। अगर ये वाला पाथ में हिट करता हूँ तो क्या मुझे ये वाला पाथ मिलता है वर्किंग? इसको चेक कर लें पहले, इधर आए पोस्टमैन नहीं, यहाँ पे किया हुआ पोस्टमैन हुआ। चलो पहले आप वन बाय वन करें, अभी तो देखिए मैंने सिर्फ उसको इम्पोर्ट किया, अभी यूज नहीं किया। पहले मैं अपनी एपीआई को देख लूँ क्या मेरी एपीआई सही काम कर रही है, फिर मैं कोई लॉजिक लिखने के काबिल हूँगा। अगर एपीआई नहीं काम कर रही तो फायदा क्या है, सर्वर चल ही रहा है अभी तक। इधर आ जाए, यहाँ पे हमने क्या रखा है जी मैथड, यार इतना चलो कॉपी करें, इधर आ जाए मैथड आपका आ जाएगा पोस्ट, पाथ कौन सा आएगा 5000 स्लैश जो अभी बनाया है, ये देख ये वाले 5000 आपकी ये आ गया वो पूरा पाथ, और जो राउट बनाया रजिस्टर ओके हो गया। अब इसको मैं अगर करता हूँ हिट, अगर मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर जाके कोई भी मैसेज तो नहीं फिलहाल अभी मैंने दिया, फिलहाल जाके मैं कहता हूँ कि सेंड करता हूँ, क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या कह रहा है वो? क्रिएट करने के लिए सेव डाटा पोस्ट करना, डाक में कुछ चीज पोस्ट कर दो तो भेज देता, भेजने के लिए डाटा, डाटा स्टोर करने के लिए। इसके अंदर मैं कोई चीज पहले डाटा भेजूंगी तो सही ना, यहाँ पे जाके मैं रा में भेजता हूँ, कोई अपने डाटा में से कोई प्रॉपर्टी भेजता हूँ नेम ऐसा ये ले। अब इसको मैं जाके पहले एक दफा इसको क्रैश को खत्म करता हूँ, CLS npm start ये अभी भी नहीं आएगा, ओके सेंड कर। मैंने कोई एक प्रॉपर्टी हिट करके देखी, अगर ये वाली प्रॉपर्टी मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए एज इट इज जो यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ, तो ये वाला मेथड मुझे मिलता है रिक्वेस्ट, सारे का सारा डाटा आपको मिलता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर। अब दूसरा पैरामीटर भी यूज हो गया रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट भेजेगा यूजर फ्रंट एंड, जैसे फेच करते थे हम लिंक के थ्रू, हाँ अब पोस्ट करेगा भाई पोस्ट, वहां पे फॉर्म बनाएंगे रजिस्ट्रेशन का साइन अप का, उधर से जो डाटा पोस्ट करेंगे एक्चुअल में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में पता क्या होता है, इसमें आपको नेम भी है मिलेगा, डॉट ईमेल भी मिलेगा, डॉट एड्रेस भी मिलेगा, जो भी है सारे का सारा डाटा जो है ना वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिलता है, यानी पूरे का पूरा फॉर्म जो है ना वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मुझे मिल जाता है। अगर मैं यही वाला काम इधर कर दूं, मैं जो भी डाटा भेजूं उसी को मैं यहाँ पे नोट करना चाहता हूँ, वही चीज मैं पोस्टमैन पे भेजना चाहता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, हो सकता है वो एक प्रॉपर्टी भेजे बॉडी के अंदर, मैंने बताया चाहे एक प्रॉपर्टी है वो भी ले लेगा, चाहे 10 है सारी ले लेगा। अगर आप ये नहीं चाहते तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से वो चीजें डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, ये भी आपने पढ़ा हुआ तरीका, इसमें से आप सारी चीजें लहदा लहदा निकाल लें किस तरह, ये भी तरीका है। फिलहाल अभी इसकी तरफ जाने की बजाय अभी मैं खाली को एक प्रॉपर्टी हिट करता हूँ, सर्वर चल रहा है, मैं चाहता हूँ ये वाला जो लिखा एज इट इज यहाँ पे आ जाए, नहीं आया क्यों? क्योंकि डेटा आप भेज रहे हैं जेसन में, मैंने आपको बताया वो मैंने एक चीज कमेंट कर दी थी स्टार्ट में, ये वाली इसको जेसन में कन्वर्ट करके भेजना पड़ता है, एड डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। आपको ये भी मैं आपको चीज बता दूं, आपको नेट पे एक नई चीज देखने को मिलेगी और आप आगे मुझसे सवाल भी पूछेंगे सर बॉडी पार्सर क्या होता है, ये चीज आपको एक मिलेगी बॉडी पार्सर, और हर दूसरा स्टूडेंट ये पूछेगा सर बॉडी पार्सर हमें नेट पे देखा है। ये होता है कि जो आपका डाटा आ रहा होता है ना वो आ रहा होता है प्लेन टेक्स्ट में, उसे कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई थी बॉडी पार्सर जो कि अब खत्म हो गई है, लेकिन नेट पे जो यूट्यूब के ट्यूटोरियल बने हैं या डाटा बना है वो तो खत्म नहीं ना हुआ, वो फिर आप देखेंगे और आगे स्टूडेंट 5 साल पहले का लेक्चर दे के आगे कहते हैं सर मैंने नेट पे ये चीज देखी, अब वो नेट पे जो चीजें हैं वो अब सलीड भी होती रहती, जो भी आप डाटा देते हैं ना उसको कन्वर्ट करने के काम आता है, अब ये पहले मौजूद नहीं होता था, अब उन्होंने उसको कन्वर्ट करने के लिए बिल्ट इन मेथड ही बना दिया,
ये देखें app dot use express के अंदर ही मुझे वो method मिल रहा है। पहले आपको convert करने के लिए लेदर library की जरूरत पड़ती थी body part पर, अब नहीं पड़ती। अब अगर मैं इसको जाके करता हूँ hit, इस request को server चल ही रहा है, अब मैं set करता हूँ send, अब आ गया एक खाली अब। ओके चलें जी, आप स्कीमा बना लें, सिर्फ स्कीमा क्या तक रखेंगे, इसको डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। आपने पता क्या करना है, ये स्कीमा क्या तक आपका ना ये कनेक्शन बना होना चाहिए और स्कीमा तैयार होना चाहिए, कल डेटाबेस में डेटा भेज दी। सर वो क्वेश्चन था, हाँ जी बताएं बताएं सर, क्वेश्चन ये तो ये पूछना था कि मंडे से ना सर वो यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है हमारी, तो टाइमिंग चेंज करवानी थी, तो कांटेक्ट किससे करना होगा, मतलब किसे करना पड़ेगा कांटेक्ट, मुझे पूछना है, मतलब उन्हें बताना था। टाइमिंग नहीं बदल सकते ना हम, अगर फर्ज करें एक बंदे की यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है तो फर्ज करें टीचर के पास ही टाइम ना हो। आवाज आई थी जी? जी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ आपकी अगर यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है तो या तो आपको किसी और बैच में शिफ्ट किया जा सकता है या आप जाके लाइव ले लें, पहला तो मसला ये है। और एक स्टूडेंट के लिए तो पहले तो पूरी क्लास से डिस्कस करें ना, क्या वो एग्री होते हैं क्लास की टाइमिंग चेंज करने के लिए, हो सकता है आप अकेले को मसला हो, बाकी क्लास 8 से 10 या 10 से 12 में पूछो, पहले क्लास में डिस्कस करें ये चीज़ें, आपस में डिस्कस करें और फिर मेरे साथ डिस्कस करें कि मैं भी उस स्लॉट में अवेलेबल हूँ कि नहीं। मेरी स्लॉट लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि 10 से 12 के अलावा मैं किसी स्लॉट में अवेलेबल हूँ कि नहीं, ये भी एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए पहले ग्रुप में डिस्कस करें फिर मेरे से डिस्कस करें, मैनेजमेंट की बात तब आएगी थर्ड स्टेज। सर वो अच्छा बैच चेंज हो सकते हैं सर, अब ये मैं आपको नंबर दे देता हूँ, वो उस पर आप रब्ता कर लें, एक कोड भी लीजिएगा यार, कोई टेंशन नहीं है। जी 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 सर नंबर दे 09777268, इस पर रब्ता कर लें। 268 ओके सर, 2268 2268 ठीक हो गई। मैंने भी टाइम चेंज किया।